जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम और तो सब आनंद कैकेयी माता भी प्रसन्न है पर उदास रहते हैं। क्यों कैकेयी माता इसलिए उदास रहती हैं? कैकेयी जब लो जियत रही कैकेयी जब लो जियत रही कैकेयी जब लो जियत रही कैकेयी जब राजियत रही तब लो बात मात सो मुँह भरी तब ना बात मात सो मुँह भरी भरत न भूल कही कैकेयी जब लो जियत रही जब जियत रही जब लो जियत रही। कैकेयी माता से श्री भरत कभी मुंह भरकर बात नहीं करते, कभी मां कहकर नहीं पुकारते। एक दिन भगवान श्री राम आशुतोष अवधारदानी परम कृपालु भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, आनंदित होकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अजब एक योगी अजब एक योगी अजब एक योगी अजब एक योगी योगी अजब अजब
भंग भूषण वसन अंग अर्धांगनी सर नैना विशाल जोगी 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 अजब जालिम जहर खात करता कहर क्या गले मुंड माला शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं आनंद से हर हर बम बम भोले भोले। राम जी के नेत्र सजल पुलकित गात शिव जी की आराधना। किसी ने संकेत किया माता कैके ही आ गई। राम जी ने देखा माता कैके ही आ गई। शिव जी को प्रणाम किया, अपने आसन से उठकर खड़े हुए, पुष्प रखे थे चार पुष्प हाथ में लेकर, कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं, चरणों में पुष्प रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाए। राम जी को देखकर माता कैकेयी की आंखों से आंसू बरसने लगे। राम तुम्हारा यह व्यवहार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं ताकुमात को मन जुगवत जो निज तन मरम कुघाव। अपने हाथ में हाथ स्वस्थ रहे तो ध्यान ज्यादा नहीं जाता और फोड़ा हो जाए तो बार बार ध्यान वहीं जाता है। बार बार जैसे अपने शरीर के घाव पर ध्यान बहुत ज्यादा व्यक्ति का रहता है, इसी तरह राम जी कैकेयी माता का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा, और टूटियो बांह गरे पड़े फूटे हो बिलोचन पीर हो तो हाथ टूट जाए तो गले पड़ता है, न टूटे तो कोई बात नहीं, पर टूट जाए तो रस्सी बांध कर गले में डालते हैं। टूटियो बांह गरे पड़े अब फूटे हो बिलोचन पीर हो तो राम जी तो राम जी हैं। कैकेयी माता उनके लिए उसी तरह वंदनीय है। कैकेयी माता के आंसू बरस रहे राम, तुम जैसे तो तुम ही हो। राम जी ने कहा कि मैया यह तो आपकी कृपा है, वाणी कल्याणी बनी आपकी जननी, जग का काम हुआ इस राम सहित सब वानरों का, अब अमर विश्व में नाम हुआ, आपकी कृपा है। लेकिन यह श्री राम जी का सोच है, ये राम जी का ढंग है। माता क्या चाहती है? कैके जी ने कहा कि राम केवल एक वरदान मांगने आई हूं। वरदान का नाम सुना तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कैकेयी माता वरदान मांग। हनुमान जी ने धीरे से प्रभु के कान में कहा कि प्रभु हनुमान कर जोर कहे विनय प्रभु सुन ले। कैकेयी का वरदान अब समुझ सोच पे दे। ऐसे ही मत दे देना। राम जी ने हनुमान जी से कहा चुप रहो। हाँ माता बोलो क्या चाहती हो आप? कैकेयी माता फूट पड़ी, रोने लगी। राम मैंने जब से तुम्हारे लिए वन मांगा है मुझको सबने क्षमा कर दिया है, लेकिन एक मेरा बेटा भरत अभी भी मुझे मां नहीं कहता, मुझसे कभी बात नहीं करता। मैं यही वरदान मांगने आई हूं एक बार भरत से मां कहला। मेरा इकलौता पुत्र भरत मुझे मां कहे। राम जी ने कैकेयी माता को शांत करते हुए कहा माता चिंता न करो, मैं भरत से बात करूंगा। भरत आपसे मां कहेंगे कहेंगे कहेंगे। आरना
कैकेयी माता को विदा करके श्री राम भरत जी के पास पहुंचे। और भरत जी तो मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ। तभी किसी ने कहा कि भैया भरत राम जी आ रहे हैं। और श्री राम जी के आगमन को सुना, भरत जी उठकर खड़े हो गए, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नेत्र जल से भगवान के चरण धोए। प्रभु आज्ञा करें, दास को वहीं बुला लिया होता, यह तो बड़ी कृपा, सेवक सदन स्वामी आगमनो। भगवान ने कहा कि भरत, मांगने वाला दाता के पास जाता है, बुलाता नहीं है, कुछ मांगने आया हूं। प्रभु आज्ञा करें, सब कुछ आपका ही है। बोले श्री राम, भरत मांगता हूं भिक्षा एक, रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं, किंतु मेरे देव वह आज्ञा क्या आपकी, उसके लिए तन मन धन प्राण दान दूंगा मैं, आप आदेश करें। भगवान ने कहा कि भरत तुमसे यही आशा थी, अब मांगू, किंतु मेरे नाथ मत दीजिएगा आज्ञा एक, बार बार प्रभु के पद कमल गहूंगा मैं, और जिसने मेरे राम तुमको वनवास दिया, उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। भगवान ने कहा कि अब क्या मांगू, जो मांगना था तुमने कह दिया, कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। राम जी बड़े संकोच में कि मैं माता कैकेयी को क्या उत्तर दूंगा। तब तक माता कैकेयी पीछे से ही प्रकट हो गई, कहा कि राम संकोच मत करो, मैं प्रसन्न हो गई, भरत ने मुझे मां कह दिया, कब, अभी तो कहा मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां कह दिया भरत ने। तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी। जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, राम बैदे ही जागे प्रिय 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 न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे, राम बैदे ही राम बैदे ही राम बैदे। यह भक्त का भाव। अयोध्या में आनंद ही आनंद है, कैकेयी माता भी प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, राम राज्य में कौन प्रसन्न नहीं होगा, सभी सभी प्रसन्न है। और यह प्रसन्नता हम आप सबको मिलती रहे, हमारे मन के क्लेशों की निवृत्ति होती रहे, भगवान की यह मंगलमयी कथा सबके जीवन में मंगल करे। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ के श्री राम राज्य का मंगल हमारे आपके सबके जीवन में मंगल करे। श्री कागुसुंड जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जान कलेसा। और हम भी कहते हैं, प्रभु श्री सीता राम जी, प्रभु श्री सीता राम जी, काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजेश। इसलिए यह तो कही ले, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जू बिराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जू बिराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, सुघर सोपान सुद्वार सुहावे, सुघर सोपान सुद्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे ओहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। और द्वार पर इन सीढ़ियों से आते जाते दर्शन किसका, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवधावत जात संत जन दर्शक आवत जात, संत जन दर्शन दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, देखत कली मल भाजे पड़े रहो, देखत कली मल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, अरे रामा
अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो श्री सियाराम रूप ही हारी श्री सियाराम रूप ही हारी लखी राजेश जाहि बलिहारी लखी राजेश जाहि बलिहारी और रामा कोटि काम दती लाजे पड़े कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे दरवाजे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो यहाँ श्री राम जी विराजे विराजे यहाँ सिया राम जी विराजे कनक भवन दरवाजे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो देखो भगवान किसी को मिलते हैं वन में किसी को मिलते हैं मन में हम लोगों को मिलते हैं कनक भवन में ऐसी सुंदर मनोहारी झांकी कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो की अनेक कथाएं श्री कनक भवन महिमा एक ग्रंथ लघु पुस्तिका आज भी मिलती है और उस पुस्तिका में मैंने कथा पढ़ी थी मुझे बहुत प्रिय लगी उसका मैं निरंतर स्मरण करता रहता हूं कनक भवन बिहारी भगवान की सेवा में उस समय एक घोड़ी रहती थी कोई संस्कारी जीवात्मा थी भगवान की चल मूर्ति जब भगवान श्री अवध में निकलते जिस रथ में बैठकर जाते वह घोड़ी उसी रथ में ज्योति जाती संतों का दर्शन करती संत सीताराम बोलते तो घोड़ी भी ऐसे ऐसे करती संतों का दर्शन करके आंखों से आंसू बरसने लगते रथ में बहुत झूम झूम कर चलती थी आनंदित होती थी संत महापुरुषों ने उस घोड़ी का नाम रख दिया श्यामा जी अब उसको देखकर सब यही कहते श्यामा जी श्री कनक भवन दर्शन करने वाले भी उस घोड़ी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हमेशा वह श्री अवध में ही रही अब आई उसकी वृद्धावस्था कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि इसे टीकमगढ़ भिजवा दें वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा निश्चय किया अब अत्यंत वृद्ध है घोड़ी इसको यहां रखकर करेंगे भी क्या तत्कालीन रेल स्टेशन मास्टर के पास गए वहां पैसा जमा किया एक तारीख निश्चित हुई कि इस तारीख को घोड़ी को डिब्बे में डालकर भेज दिया जाएगा एक डिब्बा अलग से रिजर्व किया गया पैसा जमा हो गया सब काम हो गया लेकिन पता नहीं कैसे श्यामा जी को यह ज्ञात हो गया कि अब मुझे अवध से दूर भेजा जा रहा है उसी दिन से चारा चरना छोड़ दिया पानी पीना छोड़ दिया तीन दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा
आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। चारा न चरे, जल न पिए, आंसू बरसते रहते, मानो उसकी भावना यही थी। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही थे सबने, बस औध छोड़ाए वे की हठ ठानी। बात सुनी जब ते तब ते हरि सुखत ना अखियान को पानी। धाम में दे राजेश छुटे करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी टूटे। एक लाल सा यही दयामय देह अवध में छूटे। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे यहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या बस जय हो जय। और श्री अवध की महिमा से अवधवासी परिचित, इतनी सुंदर नगरी छोड़कर कहां जाएं और बुढ़ापे में भेजा जा रहा है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारु भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारु भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे
मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अभी भगवान की कथा भी हो रही है। रंग महल हनुमान गढ़ी, रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, वो पुरानी लागे, मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब, पीकर श्री हरि रस को जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको, किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू पानी लागे। सीता राम की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी, सीता राम, सीता राम, राम राम। श्यामा इसी भाव में अवध छोड़ने का मन नहीं, नेत्रों से आंसू बहते चारा नहीं चरे पानी न पिए। लेकिन वह दिन आ गया, सेवकों ने रस्सी बांधी लेकर चले, सेवक ले बरबस चले,
श्यामा भई अति दीन, मनहु निकारत नीर ते मीन शिकारी मीन। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, प्रभु आपकी क्या इच्छा। सेवक रस्सी बांध रहे हैं, जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं, घोड़ी मुड़ मुड़ कर कनक भवन की तरफ देख रही है, आंसू बरस रहे हैं। लोगों ने देखा तो कहा कि श्री तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जीव ही कैसे। नहीं चली किसी की घोड़ी को जबरदस्ती ले गए, बांध कर ले गए रेल स्टेशन में, जो डिब्बा था उसमें डाल दिया। रेल कर्मचारियों ने डिब्बे का फाटक बंद कर दिया, ताला लगा दिया। सेवकों ने कनक भवन के मैनेजर से कहा कि हमने पहले भी कहा था, पर आप कह रहे थे कि भावुकता में आकर कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तो लगता नहीं है कि वो जीवित टीकमगढ़ पहुंचे, रास्ते में ही कहीं उसका प्राणांत हो जाएगा। अब कनक भवन मैनेजर भी बड़े दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने नहीं समझा था कि मामला यहां तक बढ़ेगा, अब आपके हाथ लाज है। दुखी हुए कनक भवन मैनेजर। भगवान की लीला, वह डिब्बे में पड़ी थी, मुर्दे के समान थी, शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया, तन तो परतंत्र राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया, पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। रात्रि को ट्रेन आती उसमें वह डिब्बा जुड़ता, करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। किसी को याद नहीं रही, रेलगाड़ी आई रुकी चली गई, डिब्बा ही नहीं मिला। सवेरा हुआ, कनवा रेल स्टेशन मास्टर ने देखा डिब्बा तो वहीं खड़ा है, रेल कर्मचारियों को बुला के डांटा, किसकी ड्यूटी थी ये, लगाया क्यों नहीं इसने, ताला खुलवा। ताला खुलवा कर फाटक खोल कर देखा, श्यामा मरी पड़ी थी डिब्बे। रेल स्टेशन मास्टर ने खबर भेजी, क्षमा करें हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाए। कनक भवन मैनेजर बड़े खुश हुए कि चलो श्री अवध में उसका अंतिम संस्कार हो, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सेवकों को साथ लेकर रस्सी आदि लेकर गए, घोड़ी का शरीर अकड़ गया था, किसी तरह डिब्बे से बाहर निकाला। उसके अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थी, तब तक कनक भवन के एक जमादार, उनका नाम था श्री गुरुदीन जी, गुरुदीन जमादार को पता नहीं भगवान ने क्या प्रेरणा दी, वे घोड़ी के कान पर मुख लगाकर बोले, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास, आपको अयोध्या का वास मिल गया, अब क्यों इस तरह। लेकिन इस मंत्र ने ऐसा काम किया, श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। और चिर परिचित गलियों को देखा, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे अवध की ये गलियां, प्यारी लागे, प्यारी लागे अवध ये गलियां, यहां बिहरे प्रिया प्रियतम अनिया, यहां बिहरे प्रिया
प्रीतम निया प्यारी राधे अवध की ये गलिया प्यारी राधे अवध की ये गलिया प्यारी राधे इन्हीं चिर परिचित गलियों से स्टेशन से भागती दौड़ती कनक भवन के द्वार पर आ गई। सीढ़ियों पर सिर रखकर आंसू बहाने लगी। जिसने देखा उसी ने कहा राम सदा सेवक रुचि राखे। उसके बाद 5 वर्ष और जीवित रही। संत भगवान का दर्शन करते फिर श्यामा जी के दर्शन को जाते। 5 वर्ष बाद शरीर छूटा। उसकी अंतिम यात्रा में संत भी सम्मिलित हुए। सब संत महापुरुषों ने कहा धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। ऐसे निष्ठा इस धाम से श्री सीताराम जी विराजमान है। राम राज्य है। भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद और बिना कृपा के क्लेश मिटते नहीं है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जानी कलेसा। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार परस्पर हंसी हेरत हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य शिवकाय पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाणे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की।
कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयारी की, दया मई जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया मई जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया मई जनक दुलारी की। दया मई जनक दुलारी की, दया मई जनक दुलारी की।